हेलो दोस्तों, वैसे आप सबको पता है कि आगे अभी उड़ीसा स्टेट बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस का 2019 का साइंस जो था, साइंस स्ट्रीम का सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व किए थे। वैसे आज हम देखेंगे 2019 में पूछा गया थर्ड जून, जो कि वहाँ पे आर्ट्स का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 5 क्वेश्चन रीजनिंग में आया था। तो थर्ड जून का चारों शिफ्ट जो भी हुआ था उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए थे थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल रीजनिंग अड्डा पे, और मैं गोपाल बेहरा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड जून शिफ्ट वन का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आपको सिलोजिज्म क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ये हो गया फ्रूट, ये हो गया वेजिटेबल। सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, एल भी लिख लेता हूँ, ठीक है। देन नो लीफी वेजिटेबल इज ए फ्रूट, नो लीफी वेजिटेबल इज ए फ्रूट। फ्रूट और लीफी वेजिटेबल्स का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स हो रहा है क्या? कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन कभी नहीं रहेगा। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, नो फ्रूट इज लीफी वेजिटेबल, यस, ये दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट, ये आपका सही हो जाएगा, दैट इज ओनली ऑप्शन टू। यहाँ पे या ओनली कंक्लूजन टू, दैट इज ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपका चाइनीज कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। चाइनीज कोडिंग क्या करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 मीन्स जॉन विल रन, 3 4 5 मीन्स रन फास्टली बडी, 5 7 8 मतलब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एंड 1 4 8 मतलब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, व्हाट इज द कोड ऑफ फास्टली। अभी फास्टली का कोड मुझे ढूंढना है। यहाँ पे अगर देखेंगे फास्टली यहाँ पे है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी फास्टली है। अभी ये दोनों दूसरा और चौथा स्टेटमेंट पे यहाँ पे कौन सा कोड कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे फास्टली फास्टली यहाँ पे कॉमन हुआ, वैसे यहाँ पे और क्या कॉमन है, 3 4 5 1 4 8 से 4 आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ पे फास्टली के लिए कोड क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, योर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू लुक हैव ए लुक ऑन दिस, ये आपका पूछा गया डाटा सफिशिएंसी से। डाटा सफिशिएंसी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको अगर देखेंगे थोड़ा, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लेइंग सरफेस ऑफ द टेबल टेनिस। यहाँ पे आपका पेरीमीटर पूछा है, टेबल टेनिस आपका कैसे रहता है, यहाँ पे जो भी है एक रेक्टेंगुलर आपका रहता है, तो यहाँ पे टेबल टेनिस का पेरीमीटर पूछा गया है। विड्थ ऑफ द प्लेइंग सर्फेस इज 3.252 मीटर, आपका विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। फोर प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द टेबल, बाय द वे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, अभी आपका विड्थ पता चल जाएगा। तो अगर आपको लेंथ भी पता चलता तो 2 2 into L plus W आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर के लिए वो L का लेंथ का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको लेके भी आंसर नहीं निकल पाएगा, इसको लेके भी आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों को लेके भी हम इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड एट ऑल, ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 4, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 17:19। अभी 17:19 का अभी सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अभी मान लीजिए 2 2 एंड 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4:9 आपका हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो 2:3। या फिर 2 का क्यूब लीजिए, 2 का क्यूब लेने पे 8 आता है, ठीक है। 3 का क्यूब लेने पे कितना आता है आपका 27, तो 8:27, ये क्या हो गया डुप्लीकेट रेशियो 2:3, ऐसे होता है। तो 17:19 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब 289 हो गया, इसका 19 का 361, यस, तो ये आपका हो गया 289:361, जबकि इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 289:361 आपका डुप्लीकेट स्क्वायर ऑफ 17:19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि फिर से सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, ऑल द स्क्रीन्स आर ड्राइवर्स, ऑल द स्क्रीन्स आर ड्राइवर्स, ठीक है, ऑल द ड्राइवर्स आर डिस्क, ऑल द ड्राइवर्स आर आपका डिस्क दिया हुआ है, ठीक है। देन सम डिस्क आर केबल्स, सम डिस्क आपका केबल, ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देन सम स्क्रीन्स आर केबल्स, यहाँ पे सम स्क्रीन्स आर केबल्स यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं बन रहा है, यहाँ पे गलत हो गया। देन सम केबल्स आर ड्राइवर्स, यहाँ पे सम केबल्स आर ड्राइवर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो गया।
ऑल द स्क्रीन्स आर डिस्क, ऑल द स्क्रीन्स आर डिस्क, ये सही होगा क्योंकि ऑल द स्क्रीन्स आर ड्राइवर्स, ऑल द ड्राइवर्स आर डिस्क, तो इसका मतलब ऑल द स्क्रीन्स आर डिस्क, तो ये आपका सही है। चौथा सम केबल्स आर डिस्क, यहाँ पे सम केबल्स आर डिस्क बन रहा है कि नहीं, ये सम डिस्क आर केबल, तो सम केबल्स आर डिस्क ये भी बनेगा, दैट इज ओनली 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन डी आपका आंसर, क्लियर। चलिए वेरी गुड, देन आपका देखते हैं, चलते हैं। थर्ड जून का पूछा गया था, शिफ्ट टू में क्या क्या 5 क्वेश्चन आया था रीजनिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन, स्प्रिंट इज कोडेड एज दिस वन, मतलब अभी कोडिंग डिकोडिंग, अभी स्प्रिंट का ये जो कोड दिया हुआ है, अभी एस का मुझे सबसे पहले बताइए एस का पोर्शन कितना है, अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SPRINT, एस का पोर्शन है तो होता है 19, पी का 16, आर का 18, आई का 9, एन का 14, टी का 20 अभी, लेकिन यहाँ पे 179952, तो एक काम कीजिए 1 और 9 को मिलाने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, अभी 10 पे फिर से 1 और 0 को मिलाने पे 1 आ रहा है, अभी उसके बाद 16, 1 + 6 को मिलाने पे 7 आ रहा है, मतलब सिंगल डिजिट पे आपको निकालना है, 1 + 8 ऐप करने पे 9 आ रहा है, ये ऑलरेडी 9 है, ठीक है, ये 1 + 4 = 5, 1 + 4 आपका 5, 22.2 + 0 = 2, ठीक है, तो 179952 यहाँ पे आ गया, 179952, तो स्पैरो, तो एस का फिर से 19, 19 को मिलाने पे 10, 10 मतलब 1 + 0 कितना हो गया 1, ठीक है, पी 16, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, ए 1 ऐसे डायरेक्टली जाएगा, आर 18 मतलब 1 + 8 = 9, फिर से आर 9, ओ 15 का मतलब 1 + 5 = 6, डब्ल्यू 23 मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 171965, 171965 यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी आपका आंसर, क्लियर, समझ में आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नो बाइसाइकिल इज ए बाइक, नो बाइसाइकिल ये हो गया आपका बाइसाइकिल इज ए बाइक, यहाँ पे बाइक हो गया, बाइक और बाइसाइकिल का कुछ भी रिलेशन नहीं है। सम बाइक्स आर कार्स, सम बाइक्स आर कार्स, ऑल वैन्स आर बाइक्स, ऑल वैन्स आर बाइक्स, सारा का सारा वैन बाइक हो गया, तो ऑल बाइक्स आर वैन्स, ऑल बाइक्स आर वैन्स होगा क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल बाइसाइकिल आर कार, ऑल बाइसाइकिल आर कार बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। नो बाइसाइकिल इज वैन, नो बाइसाइकिल इज वैन, ये सही होगा क्योंकि बाइसाइकिल का बाइक का कुछ भी रिलेशन नहीं है और वैन बाइक के अंदर है, तो वैन के साथ बाइसाइकिल का भी कुछ भी रिलेशन नहीं आएगा, तो ये आपका सही होगा, ये आपका सही होगा, तो ओनली 3 फॉलोअर्स, दैट इज ऑप्शन ए। चले वैसे अगर देखेंगे, वैसे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ए बस विच इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड टेक्स 3 hours 30 minutes टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। वैसे अभी दिन उसका कितना देर, व्हाट इज द स्पीड पूछा हुआ है, ओके काम कीजिए 30 मिनट अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं 30 मिनट्स के हिसाब से ले लेता हूँ, 3 घंटा मतलब 6 × 30 मिनट्स और 30 मिनट्स मतलब और 1 30 मिनट्स, तो टोटल आपका कितना हो गया 7 × 30 मिनट्स हो गया, ठीक है, ओके 7 × 30 मिनट्स चलने पे कितना चलता है 140 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब 7x, ठीक है 7x, 30 मिनट के हिसाब से अगर चलेंगे तो 140 चलता है, 7 गुना, 1 गुना कितना हो जाएगा, 30 मिनट पे कितना चलता है 140/7 करेंगे तो कितना हो गया 20, तो इस 30 मिनट्स पर अगर 20 चलता है तो 60 मिनट पर आपका कितना चलेगा 20 × 2 दैट इज 40, ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड कितना निकल गया 40 किलोमीटर, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 घंटा 30 मिनट मतलब आपका हो गया कितना 180 + 30 तो आपका 210, 210 मिनट में अगर आपका 140 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट पे कितना चलेगा 140/210 × 60, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे अगर करेंगे तो ये जीरो चला गया, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 20 मतलब ये हो गया 20, ठीक है, उसके बाद 6 × 3 = 1, 3 × 3 = 6, अभी 20 × 2 कितना हो गया 40, ये भी आपका ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप पैसे निकालें या फिर चाहे आप पैसे निकालें, कैसे भी करके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डाटा सफिशिएंसी, फिर से आपका क्वेश्चन आएगा डाटा सफिशिएंसी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं क्या, अगर निकाल सकते तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा यूज हो सकता है, x + 3y = 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अभी यहाँ पे 5x + 15y = 20, अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल रहा है x + 3y = 4, अभी फिर से 5x + 15y = 20, तो ये दोनों को सॉल्व करने पे x का वैल्यू मिल जाएगा, वैसे y = 1 इसको अगर देखेंगे तो x + 3y = 4, y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये x + 3 = 4, तो y x का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे चाहे स्टेटमेंट 1 पुट करें या फिर स्टेटमेंट 2 पुट करें, दोनों
किसी को भी पुट करे तो आपके यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ वन एंड टू, ऐसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन थ्री। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देन इंस्ट्रक्शन, फिर से यहाँ पे आपको सिलोजियम क्वेश्चन दिया हुआ है। सम लॉजिक्स आर फॉर्मूलाज, सम लॉजिक्स आर फॉर्मूलाज, सम फॉर्मूलाज आर मेथड्स, सम फॉर्म, यहाँ पे सम फॉर्मूलाज आर मेथड्स, उसके बाद ऑल मेथड्स आर अप्रोचेस, ऑल मेथड्स आर अप्रोचेस, ठीक है। उसके बाद सम अप्रोचेस आर फॉर्मूलाज, सम अप्रोचेस आर फॉर्मूलाज, ये सही होगा क्योंकि सारा का सारा मेथड अभी फॉर्मूला के, अभी अप्रोच के अंदर है, तो फॉर्मूला और मेथड के बीच में जो था वो अप्रोच के बीच में आ जाएगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, सम मेथड्स आर लॉजिक्स, सम मेथड्स आर, यहाँ पे लॉजिक्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे नो मेथड इज लॉजिक, मेथड लॉजिक, मेथड लॉजिक, यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइदर और बन जाएंगे, ठीक है, आइदर और बन जाएंगे। तो सीधा आप देखना यहाँ पे आइदर टू और थ्री हो गया, मतलब ये डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि और कहीं पे आइदर और नहीं है, टू और थ्री आइदर और हो गया, मतलब ये भी चौथा सही होगा डेफिनेटली क्योंकि ऑप्शन यही है। सम फॉर्मूलाज एंड लॉजिक, यस सम फॉर्मूलाज एंड लॉजिक, ये तो सही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जोन, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑल बाइक्स आर, ऑल बाइसाइकल्स आर बाइक्स, ऑल बाइसाइकल्स आर बाइक्स, ये होगा बाइसाइकिल, ये होगा बाइक, ऑल बाइक्स आर कार, ऑल बाइक्स आर कार, सम कार्स आर वैंस, सम कार्स आर वैंस, ऑल बाइक्स आर वैंस, ऑल बाइक्स आर वैंस बन रहा है क्या, नहीं नहीं बन रहा है। देन नो, देखिए ऑल बाइक्स आर वैन, नो बाइक इज वैन, यहाँ पे गलत होता है। ऑल बाइक्स आर, बाइक का और वैन का कुछ भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ऑल तो नहीं बन रहा है लेकिन नो बन रहा है, ऐसा रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये टोटल बाइक तीनों को मिला के, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बाइसाइकिल सॉरी यहाँ पे बाइक, अगर इसको बाइक को थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये तो सम रिलेशन होता है, तो ये वाला गलत, ऑल तो नहीं होगा, वैसे नो करना भी यहाँ पे गलत होता है। ऑल बाइसाइकल्स आर कार्स, ऑल बाइसाइकल्स आर कार्स बन रहा है क्या, यस बन जाएगा क्योंकि बाइक बाइसाइकिल बाइक के अंदर है और बाइक कार के अंदर है, तो ऑल बाइसाइकल्स आर कार बन जाएगा, तो यहाँ पे ओनली टू हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सम पिज्जाज आर बर्गर्स, सम पिज्जाज आर बर्गर्स, सम बर्गर्स आर सैंडविच, सम बर्गर आर सैंडविच, नो सैंडविच इज केक, नो सैंडविच इज केक, यहाँ पे सैंडविच और केक का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो नो केक इज बर्गर, यहाँ पे बर्गर, यहाँ पे केक है, तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर केक रखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सम, तो यहाँ पे अगर पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर केक रखूंगा तो नो बर्गर इज केक, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। दो, नो सैंडविच इज पिज्जा, नो सैंडविच इज पिज्जा, सैंडविच और पिज्जा का भी रिलेशन हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। सम बर्गर सर पिज्जास, सम बर्गर सर पिज्जास, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, सम बर्गर सर अभी पिज्जास डेफिनेटली होगा, तो ओनली थ्री, ठीक है, ओनली थ्री। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 18, नोज, नोज रिटर्न इज दिस वन, तो एन आपका 14, ठीक है, देन ओ 15, देन एस आपका हो गया 19, ई हो गया आपका 5, ठीक है, ई हो गया आपका 5। तो ये अगर देखेंगे रिवाइंड, आर हो गया आपका 18, ई हो गया 5, डब्ल्यू 23, आई 9, एन 14, डी 4, तो यहाँ पे देखना है 18523, 18523, यहाँ पे 18523, 9144, 9144, यहाँ पे 9144, 18523, 9144, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर, ये फिर से आपका हो गया डाटा सफिशियंसी क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा सफिशियंसी क्वेश्चन पूछा गया है। दिस ईयर व्हेन इज कैरीज बर्थडे, दिस ईयर कैरी का बर्थडे कब है, बिटवीन 30th एंड 16th ऑफ ए मंथ, 13th बिंग वेडनेसडे, 13 तारीख वेडनेसडे दिया हुआ है, ठीक है, इट इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, अभी फेब्रुवरी में दिया हुआ है लेकिन 13 से लेके 16 के बीच में 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो कौन सा दिन होगा पता नहीं, तो यहाँ पे दोनों को मिलाना भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड एट ऑल, ये क्वेश्चन का हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज 4, दैट इज 4। क्लियर, नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन रेगुलर नॉनागोन, ये बार बार पूछता है वाला क्वेश्चन, हमेशा याद रखिए इसको, 27, यहाँ पे आपका आंसर नॉनागोन का टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 27 होता है। अभी चलते हैं थर्ड जोन का शिफ्ट 4, चौथा शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी अभी ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर निकाले थे, 3 आवर्स 30 मिनट्स, तो 140 हो गया, मतलब आपका 210 मिनट पर आप 140 पर 40 किलोमीटर चलते हैं, तो 60 मिनट पर कितना चलेंगे, तो 140 डिवाइड बाई
कितना हो गया 210 इंटू 60, तो ये हो गया ये हो गया, देन अगर इसको निकाल देंगे तो टोटल सॉल्व करने में कितना आ रहा है 40, तो आपका टोटल स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑल लायंस आर कैट्स, ऑल लायंस आर कैट्स, ऑल कैट्स आर हंटर्स, ये हो गया। सम ऑल हंटर्स आर लायंस, ऑल हंटर्स आर लायंस बन रहा है क्या नहीं बन रहा है? सम हंटर्स आर लायंस, ये सम हंटर्स आर लायंस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ऑल लायंस आर हंटर्स, यस ऑल लायंस आर हंटर्स, ये भी बन रहा है। तो ओनली टू एंड थ्री, ओनली टू एंड थ्री, ठीक है। देन क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कैरीज बताया, अभी अभी बताया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा, दैट इज ऑप्शन बी 4। ये दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर, अभी भी बताया था पिछला प्रीवियस जो आपका सेशन था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सम लॉजिक्स आर फॉर्मूलाज, सम लॉजिक्स आर फॉर्मूलाज, देन सम फॉर्मूलाज आर मेथड्स एंड ऑल द मेथड्स आर अप्रोचेस, ये भी क्वेश्चन शायद कराया था, ऑल द मेथड्स आर अप्रोचेस, सम अप्रोचेस आर फॉर्मूलाज, सम अप्रोचेस आर फॉर्मूलाज, ये सही है। सम मेथड्स आर लॉजिक, सम मेथड्स आर लॉजिक यहाँ पे है, यहाँ पे नो मेथड इज लॉजिक, सम मेथड्स आर लॉजिक, नो मेथड इज लॉजिक, फिर से आइदर और, तो यहाँ पे आइदर टू और थ्री यहाँ पे मिल गया, मतलब सीधा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेटिना, यहाँ पे आर का पोर्शन कितना होता है 18, ई का पोर्शन कितना है 5, टी का पोर्शन 20, आई का पोर्शन 9, एन का पोर्शन 14, ए का पोर्शन 1। अभी इस ये दिया हुआ है आपका कोडिंग, मतलब आप तीन तीन मिलाइए 21, ये तीन मिलाने पे 21, ये हो गया 8, ये हो गया 23, ये हो गया 12, ये हो गया 17, ये हो गया 4। तो ऐसे भी ट्विस्टर का क्या करेंगे, टी 20 प्लस 3 23, ठीक है, डब्ल्यू 23 प्लस 3 26, आई 9 प्लस 3 12, मतलब 2 3 2 6 1 2, 2 3 2 6 1 2, देखिए यहाँ पे एक है 1 2, उसका 2 2 2 3 8 1 2 1, जो भी आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। सिर्फ ईच एंड एवरी लेटर का पोजिशन में कितना मिलाना है आपको, तीन तीन मिलाते चलना है। चलिए तो ये था सारा का सारा क्वेश्चंस, 4 3 जून में पूछा गया था चारों शिफ्ट का क्वेश्चंस, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आता है तो अच्छा लगता है सेशन, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट भी कीजिए, और कहीं पे भी आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे दूसरा सेशन। चलिए टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे।